अजान जी, इन पहाड़ों में कौन कौन सी जड़ी बूटियां आप इस्तेमाल करते हैं अपनी सेहत के लिए? बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, चिटियार, चोरा, गुगुर धूप, पटमिया, वाजवान, चुराइता, बहुत सी जड़ी बूटियां इसमें, ओला, क्यारी। खालिद क्यों दौड़ रहा है? आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे इतना क्या चढ़ाएगा, किस पहाड़ पे, क्या है ये? ये देखो कैसे पत्ते, इन पत्तों को क्या कहते हो? पटमिया बोलते हैं इसको गोजरी जुबान में। क्या बोलते हो? पटमिया। दिखाओ थोड़ा, पत्मलिया। पटमिया ये जो होती है, इसको लगाते हैं बालों को, कलेजे के लिए लगती है ये। कलेजे, क्या है इसका नाम? पतरीस। पतरीस, ओ जी, दिखाइए, लो ये है। Assalamualaikum, I hope everyone is doing great. Welcome to another episode of Nomadic Lifestyle Bakarwal. सुबह के बज चुके हैं 8:30 और जनाब वहाँ से हमने ट्रैक किया, कल रात हमने शकील भाई के घर गुजारी। हमारे साथ हैं खालिद भाई। आज का जो वीडियो है वो है बकरवाली मेडिसन, जो कि पहले हकीम लोग भी इस्तेमाल करते थे, अब भी करते हैं, क्योंकि जंगलों में बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ होती है और इन लोगों को उस चीज़ का नॉलेज है, क्योंकि इमीडिएट रिलीफ इनको यहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल तो नहीं है, ये अभी भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद हमें हमारे साथ आज ट्रैक पे आए हैं। खालिद हमारे साथ दो वीडियोस में रहेंगे, एक हम जंगली फूड बना रहे हैं खालिद के साथ, के जंगलों में खाना कैसे बनाते हैं, कौन सी सब्ज़ी, और आज का है मेडिसन इनको। खालिद भाई, क्या आपको मालूम है कि इन यहाँ की जड़ी बूटियों के बारे में इलम है? हाँ मुझे मालूम है, मैं दिखाऊंगा आपको आगे। चलो बहुत अच्छी बात है, तो हमें ट्रैक करना है उसके लिए ये वाली केरी। हाँ तो ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, अपने बच्चों को भी वो नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हमेशा इन टफ़ एरियाज़ में रहते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि हमें ट्रैक आप ये वाला हिस्सा करना है, एक खूबसूरत सा मीडो आगे आने वाला है और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये वाला वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि आई हैव नेवर बीन टू अ प्लेस जहाँ इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हों और मुझे भी उसका इल्मियत और नॉलेज मिल जाए। सो गाइज, आर यू रेडी फॉर दिस? देन लेट मी टेक यू दिस अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल जर्नी। लेट गेट दिस ब्यूटीफुल डे स्टार्ट। एवरी टाइम वी से गुडबाय, दे ऑल सी दैट इट्स अ लाई, क्योंकि वी ऑलवेज गिव इट वन लास्ट ट्राई। खालिद क्यों दौड़ रहा है? आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे इतना क्या चढ़ाएगा, किस पहाड़ पे, क्या है ये? ये देखो कैसे पत्ते, इन पत्तों को क्या कहते हो? पटमिया बोलते हैं इसको गोजरी जुबान में। क्या बोलते हो? पटमिया। दिखाओ थोड़ा, पत्मलिया। पटमिया ये जो होती है, इसको लगाते हैं बालों को। अच्छा। हाँ पानी में। तो इस्तेमाल कैसे करते हो इसको? इसको बस ऐसे निकालना है जी, और इसको तोड़कर पानी में लगाना है, और बालों में लगाते हो? हाँ, बाल इसके साथ लंबे हो जाते हैं बिल्कुल। और ये पूरी जो ये पौधे हैं, हर्ब्स हैं, इसको क्या कहते हैं अपनी जुबान में? पटमियार। पटमियार, ओके। थकावट हो गई। खालिद भाई कुछ और दिखा रहे हो क्या? हाँ मैं आपको दिखाऊंगा, आ जाओ। आइए जी चलते हैं, जो खालिद भाई बोले। ओ कहीं पे पहुंच रहे हैं, दिखा रहे हैं कुछ जी। जी जो पता नजर आ रहा है आपको, ये वाला पता, इसके नीचे से एक गंडी होती है छोटी सी। एक मिनट, गंडी मतलब ये रूट इसका? हाँ ये नहीं, इसके नीचे होता है जमीन। अच्छा, में ठीक, वो निकाल कर। हाँ एक तो वो दर्द को दूर कर देता है, अगर जख्म लग गया। हाँ, उस पे लगाते हो आप? उस पे लगाते हैं, हड्डी को भी जोड़ देता है। अच्छा तो कैसे लगाते हो, तरीका क्या है लगाने का? इसको जब निकालते हो ना उस रूट को आप बाहर, तो कैसे मतलब उसको मैश करते हो क्या? हाँ, मैश कर। हाँ पानी डालते हैं, मतलब पूरा मुरबा जब उसका बन जाता है। हाँ, पानी डालते हैं थोड़ा जी, और उसको उबाल कर। हाँ फिर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर जख्म पर फिर कपड़ा शपड़ा लगा देते हो। तो क्या कहते हैं इसे आप? चटियाल। चटियाल, देखिए जी इसका पता है, ये इसका पता है, और ये यहाँ से आप निकाल देते हो इसकी गंडी। ओके ये गंडी है। ओके 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 बढ़िया है। ओके खालिद भाई, आपने कहा रुकने के लिए, क्या क्यों? ये जड़ी बूटी हम इस्तेमाल करते हैं अगर किसी ये वाली को, सर्दी हो जाती है। अच्छा, इसको उबाल कर हम पीते हैं सर्दी वर्दी, मतलब जब ये पानी में डालते हैं आप ये? हाँ उबाल कर इसको। कौन सी चीज डालते हैं पानी में, दिखाइए? ये पत्ते इसके जो छोटे छोटे हैं। हाँ, ये छोटे छोटे पत्ते, थोड़ा दिखाइए यहाँ की तरह। इसको क्या कहते हो अपनी जुबान में? बंजमैन। बंजमैन जी। लुक गाइस, दिस इज अपनी जबान में बंजमैन कहते हैं, अगर कोई बायोलॉजिस्ट है तो वो
उसको कैसे, इसको आप गर्म पानी में डालते हैं तो फिर इसका काढ़ा पीते हैं आप? काढ़ा पीते हैं। आपने खुद पिया है कभी? हाँ, हमने पिया है। कितने टाइम में रिलीफ मिलता होगा फिर जैसे पीने के साथ? 5 मिनट में। तो प्यास भी इससे बुझ जाती होगी? प्यास बुझ जाती, जैसे आप कह रहे थे बिहाइंड द कैमरा। चलो, दिस इज कॉल्ड बेंजामिन। बेंजामिन इसको गोजरी जुबान में। ओ माय गॉड यार, तो खालिद ने हमें कुछ इसी जगह पे लाया। आप देख सकते हैं हाउ डेंजरस दिस कुड बी। ओह खालिद, यहाँ से कितना दूर है अभी? और यार कितनी जड़ी बूटियां हो रहे हैं अभी? बहुत जड़ी बूटी में आपको दिखाऊंगा। तो आप डरते नहीं हो? आप देखो कितना डेंजरस टेरेन, बिल्कुल भी नहीं डरते हो? नहीं नहीं बिल्कुल, यकीन मानिए आप, हम इसके बीच में से भी जा सकते हैं अभी, इतने टफ लोग हैं आप। और क्या, अल्लाह अकबर। मैं तो मतलब नज़र में वहाँ मैं देख भी नहीं रहा हूँ। आप देखिए पूरा एक डेंजरस सा रास्ता है और यही हमें ट्रैक करना है। खालिद कहाँ से जाना है अभी? यही वाले रास्ते से? रास्ते से जाना है हमने, उधर उस पहाड़ी पे जाना है। ओके लेट्स गो, चलिए। एक और खूबसूरत सी जगह पे हम रुके हैं, लगता तो है वैली ऑफ फ्लावर्स। खालिद भाई क्यों रुके हम यहाँ पे? ये इसके लिए रुके हैं हम। इसको क्या कहते हो आप? इसको गाजबान। गाजबान, हाँ जी। तो ये किस लिए लगता है? इसकी हम चाय बनाते हैं, अगर किसी को सर्दी हो जाएगी जी, इसकी चाय बनाकर पियेंगे उसको, मतलब सर्दी खत्म, तासीर इसका वैसा है। तासीर, और आप देख, अगर आप देख भी सकेंगे ना, पूरा ये इस कीरी पे, इस चोटी पे ये गाजबान है, पूरे गाजबान के छोटे छोटे पौधे हैं। सो अभी वीडियो में आप टिके रहिए, बहुत सारी जड़ी बूटियों में आपका फ़ायदा भी होगा, नॉलेज का भी, और अब हम आपको दिखाएंगे भी। आइए आइए खालिद भाई, चलते हैं। तो मेडिसनों को ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा तो थकावट हो रही है, पर बहुत नॉलेजेबल मेरे लिए भी हो रहा है। खालिद भाई, हाँ जी, किस लिए रुके जी हम? हम इसके लिए, ये जो जड़ी है चराइता नाम है इसका, इसका चराइता, हाँ। ये किस लिए लगती है चराइता? ये खानी पड़ती है 5 दिन पानी के साथ सुबह सुबह, पूरे 5 दिन? हाँ। तो इससे कि मैदे के लिए है? ये मैदे के लिए, मैदा का दर्द इसके से दूर हो जाता है। अच्छा, तो गर्म पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ? ठंडे पानी के साथ। ठंडे पानी के साथ, हाँ जी, कोई बात नहीं। क्या नाम है इसका? चराइता। चराइता, ये देख लीजिए क्लोज अप में, चराइता कहते हैं इसे। हाँ, जो वीडियो हमने शुरू किया था ना, वो देखिए जी, जो क्लाउड्स हैं वहाँ के नीचे से हमने सुबह ट्रैक शुरू किया था। तो 2 से 3 घंटे हुए हैं जो कि ये बकरवाल लोग मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं इन पहाड़ों में। खालिद भाई रुके हैं, आई एम होपफुल कि उनके लिए कोई एक और बोटी हमारे लेकर दिखाने के लिए आए। खालिद भाई सही हूँ ना मैं? कोई और बूटी दिखा रहे हैं? ये है वो जड़ी बूटी, ये है कलेजे के लिए लगती है ये। कलेजे, क्या है इसका नाम? पतरीस। पतरीस, ओ जी दिखाइए, लो ये है, ये है। ओके, इसको क्या कहते हैं आप? इसके नीचे होती है जो जमीन में, वो इसकी गंडी जो। अच्छा गंडी, ये है पतरीस का पौधा। ये किस लिए लगते है? म्यादे की, कलेजे के लिए, कलेजे के लिए ठंडा करता है उसको, ठंडा करता है उसको। इसका इस्तेमाल कैसे होता है कुछ आइडिया? इसके नीचे वो जो गंडी जमीन में होती है, हाँ, उसको पीकर वो। और व्यू भी दे सकते हैं पतरीस के साथ, कैसा खूबसूरत सा व्यू है। तो इस्तेमाल कैसे करते हो आप उस गंडी को, कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसको पीते हैं पहले, मतलब उसको भी मैश करना पड़ता है पहले? मैश कर कर। किसके साथ पीते हैं? पानी, पानी के साथ। तो म्यादे और लिवर में फर्क हो जाती है? फर्क हो जाती है। सो बायोलॉजिस्ट हुआ वॉचिंग, प्लीज लेट मी नो कि इसको अपनी टर्मिनोलॉजी में आप क्या कहते हैं। ये कहते हैं पतरीस, हाँ। तो कुछ और ट्रैवल थोड़ा सा करने के बाद, क्योंकि ये वीडियो भी है ट्रैवल वीडियो, क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटी हमें ढूंढनी है। खालिद मेरे भाई, हाँ जी, क्यों रुकाया बता? मैं आपको दिखाऊंगा ये एक और जड़ी बूटी, क्या जिसको हिंदू मजहब के लोग इस्तेमाल करते हैं। धूप तो नहीं है ये? फार्मर वैली में मैंने देखा था यार ये। लेट मी सी, नज़दीकी से इनको दिखाते हैं। ये धूप है? हाँ, इसको धूप बोलते हैं। ओके, ये भी इन जंगलों पहाड़ों में है? हाँ, पहाड़ों में हर एक जड़ी बूटी है यहाँ। तो
वीडियो को एंड करने का वक्त आया है एंड व्हाट एन अमेजिंग प्लेस आई एम इन राइट नाउ माशाल्लाह। और क्या कहूँ मैं, अगर मैं व्लॉगिंग कभी नहीं करता तो ये चीज़ें मैं कभी नहीं देख पाता, तो शुक्र अल्लाह ताला का। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू भाई की वजह से बहुत यंग है। कितनी एज होगी आपकी? 18 साल। 18 साल का बच्चा है, आप देख लीजिए कितना नॉलेजेबल है, क्योंकि ये लोग सेल्फ रिलायंट है। जितने भी कौमें आप देखें इस दुनिया में सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, कामयाब है, ब्रेव भी हैं, नॉलेजेबल भी है, क्योंकि इन जैसी ऊंचाई चोटियों पर रहना आसान बात नहीं है। राइट नाउ अगर हम ही खुदा ना खास्ता बीमार हो जाएं तो मेडिसिन लाना नामुमकिन सी बात है, इसीलिए ये लोग हर चीज़ का नॉलेज रखते हैं। तो अगर ये भाई नहीं होते तो ये वाला वीडियो आपके सामने नहीं होता, और मेरे लिए भी लर्निंग थी, कुछ वर्ड भी मैं सीखा जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। पत्रियास, पत्रीस, गाजवान, धूप और चटियाल, चटियाल, चोरा, बहुत सी जड़ी बूटी, और उनका जो तजुर्बा भी ये कैसे करते हैं वो भी मुझे इल्मियत हुई। अगर आप बायोलॉजिस्ट हैं, यू कैन प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि इनको इंग्लिश जबान में हम क्या कहते हैं, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट तो नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया था बकरवाल कम्युनिटी की तरफ, वहाँ की तरफ देखिए भाईजान, तो बकरवाल कम्युनिटी कैसे इन जंगलों में रहती है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसकी वजह से मैं यहाँ पे आ पाया। तो आई होप गाइज यू एंजॉयड द वीडियो, कीप सपोर्टिंग, दैट कीप्स मी मोटिवेटेड टू रोम इन दिस ब्यूटिफुल माउंटेन्स, जो कि मेरे लिए एक सपना है, क्योंकि यही व्लॉगिंग की वजह से ये हकीकत बन रही है मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अंटिल नेक्स्ट टाइम विद अ डिफरेंट प्लेस एंड विद अ डिफरेंट वीडियो, एज वी से इन कश्मीरी, व्यू खुदा सवाल।